T24 मैच में मात्र 8 रन देकर 6 विकेट झटकने वाला गेंदबाज, 19 मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला गेंदबाज, मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी कहा जाने वाला अजंता मेंडिस को मिस्ट्री स्पिनर के रूप में जाना जाने लगा। 2008 एशिया कप के फाइनल में सनत जयसूर्या की तेज तर्राट 125 रन की पारी के बदौलत श्रीलंका 274 रन का लक्ष्य भारत को देने में कामयाब रहा। दोस्तों, ओपनिंग में आए वीरेंद्र सहवाग ने आते ही विस्फोट करना शुरू किया और मात्र 36 बॉलों में 12 चौकों के साथ 60 रन की जबरदस्त पारी खेल डाली। लेकिन जैसे ही अजंता मेंडिस ने बॉलिंग की कमान संभाली तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल सी गई। मेंडिस ने आते ही वीरेंद्र सहवाग को संगकारा के हाथों स्टंप आउट करा दिया। जब सहवाग आउट हुए तब भारत का स्कोर 76 रन था और उसके बाद तो अगले 97 रन पर पूरी भारतीय टीम सिमट गई, जिसमें रैना, युवराज, रोहित, धोनी, उथप्पा व इरफान पठान जैसे बल्लेबाज शामिल थे। बड़े बड़े दिग्गजों को एक 23 वर्षीय युवा बॉलर ने समेट कर रख दिया। अजंता मेंडिस ने इस मैच में 8 ओवरों में मात्र 13 रन देकर 6 बड़े विकेट झटके थे। कोई भी भारतीय बल्लेबाज अजंता मेंडिस की लेग ब्रेक कैरम बॉल को समझ ही नहीं पा रहा था। फाइनल मैच में भारत के खिलाफ 6 विकेट लेकर मेंडिस चारों तरफ चर्चा का विषय बन चुका था और ऐसा प्रदर्शन मेंडिस ने भारत ही नहीं बल्कि सभी एशियाई टीमों के साथ किया था। तभी तो मात्र 19 मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड मेंडिस ने अपने नाम कर रखा था। दोस्तों, मेंडिस की बलखाती गेंदों का जवाब किसी भी बैट्समैन के पास नहीं होता था। दोस्तों, फिर चाहे वो क्रिकेट के भगवान हो या स्पिन रोको स्टेडियम पार छक्का जमाने वाले बंगाल टाइगर, उस दौर में अजंता मेंडिस ने अपनी उंगलियों के जादू से बड़े बल्लेबाज की नाक में दम कर रखा था। लेकिन एकाएक परिस्थितियां बदली और भारत श्रीलंका दौरे पर गया। वहां दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सहवाग ने अजंता मेंडिस को आड़े हाथों लिया। दोस्तों, सहवाग ने मेंडिस के खिलाफ लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और चौकों के साथ बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के भी जड़े। सहवाग का बल्ला आग बरस रहा था दोस्तों, लेकिन गौतम गंभीर 56 रन बनाकर आउट हो गए और फिर तो भारत मात्र 2 ओवरों के बीच ही राहुल द्रविड़ व सचिन तेंदुलकर और गांगुली जैसे बड़े विकेटों को खो चुका था। सहवाग का थोड़ा सा 39 रन बनाकर वीवीएस लक्ष्मण ने दिया। बावजूद सहवाग ने पहले अपना शतक व बाद में दोहरा शतक को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई आनाकानी नहीं बरती। दोस्तों, सहवाग अपना 5वां दोहरा शतक जड़ चुके थे। अजंता मेंडिस व मुरलीधरन को कोई भी भारतीय बल्लेबाज सही से खेल नहीं पा रहा था, परंतु सहवाग ने मेंडिस के खिलाफ जो आग बरसाई वो लाजवाब थी। दोस्तों, भारत यह मैच जीत गया था। इसके बाद जब जब मेंडिस का सामना वीरेंद्र सहवाग से हुआ तो मेंडिस चारों खाने चित नजर आए और आलम यह रहा दोस्तों कि मेंडिस ने विश्व क्रिकेट में जितनी तेजी से अपने पैर जमाए थे वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। और हालात यह रहे कि खुद अजंता मेंडिस ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मैंने कई इंटरनेशनल बैट्समैनों को बॉलिंग की है लेकिन उन सब में से वीरेंद्र सहवाग व महेंद्र सिंह धोनी मेरी गेंदों को सबसे बढ़िया खेलते थे। खास तौर पर सहवाग को तो आप खराब गेंद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे लिए शायद आसान था मेंडिस को फेस करना, क्योंकि मैं मेंडिस को पिक कर रहा था। क्योंकि मैं उसको पहले एशिया कप में खेल चुका था, तो आई नो कि वो कौन सी लेग स्पिन है, कौन सी गुगली है, कौन सी वो ऑफ स्पिन डालता है। तो जब भी वो गुगली डालता था ना, उसका एक उंगली ऊपर जाता था ये वाला, तो जैसे ही वो उसकी उंगली ऊपर गई तो मैं स्टप आउट करके उसको 4 या 6 मारता था। दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।